पिछली वीडियो में हमने सीखा था ओटी को फ्यूमिगेशन करना। ओटी को फ्यूमिगेशन करने के बाद में हमने उसके बाद में ओटी से हम कल्चर भेजेंगे, तो कल्चर किस प्रकार से लेंगे और कैसे भेजना है इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ओटी को हमने कल अच्छे से साफ कर दिया था और कल हमने इसमें फॉर्मलिन लगा दिया था, तो 24 आवर्स हो गए। उसके बाद में आज हम लेंगे कल्चर। तो सबसे पहले हम लेंगे वाइल्ड, जो कि एक हमारे साथ में टेक्नीशियन है, इसके पास ये कल्चर वाइल है और ये सैम्पलिंग के लिए कॉटन स्टिक है, इससे लेंगे हम आज कल्चर। कल्चर इसलिए भेजते हैं ताकि फॉर्मलिन लगाने के बाद में भी हम देख सकें कि इसमें कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। तो कल्चर देने से पहले हम हैंडवाश करेंगे, हैंडवाश मैंने पहले से कर चुका हूँ और ग्लव्स पहन के गाउन पहन के, और हम लेंगे ओटी कल्चर। हम यहाँ से ओटी में 5 जगह का कल्चर लेंगे, इसमें ओटी फ्लोर का, ओटी वाल का, ओटी टेबल का और ओटी के जो मशीनें रखी है उनका लेंगे और ओटी एयर का कल्चर लेंगे। हमने कॉटन की स्टिक ले ली है और इस पर थोड़ा सा स्लाइम डालेंगे ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो आ सके। डाल के या डिस्टिल वाटर डाल के गीला कर देंगे ताकि जो सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आ जाए अगर प्रेजेंट है तो। सबसे पहले हम फ्लोर का कल्चर लेंगे, इस प्रकार से इसको घुमा लेंगे ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो इसमें आ जाए। लेने के बाद में इसको लेबलिंग कर लेंगे, इस पे लिखेंगे ओटी नंबर 4 है तो ओटी नंबर 4 और फ्लोर लिख लेंगे इसमें स्टिकिंग। देखा दोस्तों, इस प्रकार हम कल्चर लेके और उसमें लेबलिंग करके माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पे कल्चर के लिए इसको भेज देंगे। और इसी प्रकार जो अभी लिया है उसी प्रकार हम ओटी लाइट जो ओटी के अंदर जो मशीन है उनका, ओटी फ्लोर का और ओटी एयर का इनका कल्चर लेंगे। और ओटी एयर का जो कल्चर लेंगे उसके लिए हमें पेट्री डिश की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि ओटी के अंदर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद में उसको लेबलिंग करके कल्चर के लिए भेज देंगे। धन्यवाद।